यूपी की योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के लिए बनी जांच कमेटी, पेपर लीक से सॉल्वर गैंग तक सब पर रहेगी नजर। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एक जांच समिति बनाई है। एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति बनाई गई है। समिति पेपर लीक की शिकायत, पेपर छपाई में गड़बड़ी, पेपर देरी से पहुंचे, सनी लियोनी के एडमिट कार्ड मामले की जांच वगैरह सारे मुद्दों पर अपनी राय रखेगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट में मिली जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों द्वारा जो समस्याएं बताई जा रही हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया गया है। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक की खबरों को बोर्ड पहले ही फर्जी बता चुका है। हालांकि इन सब मामलों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ ही इनके सोर्स की गहनता से जांच कर रही है। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सभी जनपदों में प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर रहे। आरओ की परीक्षा के बाद हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चौकसी काफी बढ़ाई गई। अलग अलग जनपदों से काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई। जैसे बलिया जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली और नकल के आरोप में एक गिरोह के 11 सदस्यों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गोंडा जिले में पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले से एक व्यक्ति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मथुरा, मैनपुरी और इटावा समेत कई जनपदों से सॉल्वर धरे गए। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में कुल 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 फरवरी से परीक्षा के पहले दिन 18 फरवरी तक 244 आरोपी प्रदेश के कई जिलों से गिरफ्तार किए गए हैं। पेपर लीक कराने की कोशिश, नकल, ठगी के मामले, इन सभी को लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं। जिला पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार आरोपी में अभ्यर्थी, सॉल्वर और दलाल शामिल हैं। एक हफ्ते पहले आरओ और एआरओ की परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की खबरों ने जोर पकड़ा था और फिर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर के बीच कई जगहों से पेपर आउट होने की खबरें छाई रहीं। कई जनपदों में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, पेपर लीक मामले में कार्रवाई की मांग की, जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी हुई। इसी के चलते अब यूपी सरकार भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले किसी को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इसीलिए जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।